हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये वीडियो सीरीज नंबर दोस्तों 13 है ना। हम लोग 13 नंबर वीडियो सीरीज कर रहे हैं। दो दिन से आपका वीडियो नहीं आ रहा था मैथमेटिक्स का, जिसका कारण था दोस्तों है ना, एग्ज़ाम्स वगैरह मेरा थे, तो मैं एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहा था, तो इसीलिए आपकी वीडियोस थोड़ी सी रुक गई थी। लेकिन दोस्तों आज से आपकी कंटिन्यू आएगी। तो आप सभी लोग डेली सुबह में 8 बजे हमारे साथ जुड़ा करें, ठीक है। कब दोस्तों? सुबह में 8 बजे। कितना बजे दोस्तों? सुबह में 8 बजे मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आप लोग जुड़ा करें। और ये मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं सर, तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जाकर के अवश्य ही डाउनलोड करें। ये जो दोस्तों डेली लाइव क्लासेस आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती है, तो अगर आपने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन कॉल कर लेंगे, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहां पे दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर 121 है ना, 121। ऑलरेडी हमने इससे पहले 100+ क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। तब हम लोग 121 नंबर पे, 13 नंबर वीडियो सीरीज है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन हम अच्छे से लिख रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी बटा में रूट अंडर ए बी है ना, रूट अंडर ए बी बराबर क्या है दोस्तों? 4/1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कर रहा है ए बटा में बी का वैल्यू का होगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी से बन जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखें। देखिए क्या करना है सर, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यह देखिए क्या करिए दोस्तों, प्लस है तो ये दोनों के नीचे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, ये हो गया है ना, ये यहाँ पे दोस्तों ये रूट अंडर ए और ये रूट अंडर बी। तो ये से ए से ए में क्या बचेगा? यहाँ पे रूट अंडर ए बचेगा और प्लस रहेगा यहाँ पे रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर बी, यानी कि इक्वल टू बी, और यहाँ पे रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, जो कटेगा काट दीजिए। फाइनली यहाँ पे क्या दोस्तों? इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या बचा दोस्तों? अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग का बुद्धि काम कर रहा है। यहाँ पर से क्या किया जाए? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए। फाइनली बचा हुआ क्या, जरा हम उसको काम कर लेते हैं, लिख देते एक बार, ताकि आपका फ्रेश माइंड दिख जाए। यहाँ पे रूट अंडर बी बाई ए इक्वल टू 4 है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर से क्या आएगा हमारे पास, क्या दिखेगा? बी बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 16, इतना दिखेगा। तो फाइनली अगर हम कहें ए बटा में बी प्लस बी बटा में ए है ना बराबर, ये इसका स्क्वायर कर दिया जाए ना, 16 - 2 फाइनली 14, ठीक है। यानी कितना आ गया दोस्तों? अब हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है, हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि अगर हम लोग इसको x लेट कर लेते हैं है ना, तो काम बन जाएगा। तो लेट किया जाए, x बराबर 1/a बाई बी लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि ठीक है। अब मान लिए हैं तो आगे काम भी कर देते हैं, x ये उल्टा है तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 14, इतना हो जाएगा 14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर तक आप लोग कर लीजिएगा। अब सो यहाँ से आप लोग क्या करिए, इसको द्विघात में बना दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1, ये हमारा करेक्टली कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ से डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट करिएगा x का वैल्यू द्विघात समीकरण से है ना, द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला याद है ना, प्लस माइनस रूट अंडर डी है ना। तो डायरेक्टली अगर करेंगे तो यहाँ पे 192 आ जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे छोटा सा, तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा? 4√3 है ना, 4√3 हो जाएगा। बस इतना फाइनली x का वैल्यू आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या कहा था? हमसे क्वेश्चन कहा था दोस्तों कि x के वैल्यू ज्ञात करना, x को हम लोग क्या माने थे, इतना माने थे ना,
तो 7 + -4√3 और बटा में 1 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब कौन सा आंसर है ज़रा मैच करते हैं, देखिए। तो कोई आंसर मिल रहा है आपके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी 7 + -4√3 अनुपात 1 है ना, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पाउज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये लीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है दोस्तों, एक वो पानी का ड्रम है जो कि 3/4 भाग भरा हुआ है, इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, 30 लीटर पानी निकाल लेते हैं, तो अब कितना भाग है, अब कितना भाग है, तो 7/12 भाग है रह जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ड्रम की क्षमता कितनी थी, तो ये डायरेक्टली क्षमता निकालना है ना, क्षमता निकालना है ना, तो क्षमता को आप x लेट कर लीजिए, ठीक है। मान लिया है, क्या किए हैं, लेट कर लीजिए क्षमता को x, और x का वैल्यू निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, कितना भरल था पानी, 4/3 x लेट के कितना पानी निकाले, 30 लीटर बराबर कितना बच गया था, 7/12 x इतना बच गया था, x वाले को एक साइड कर दीजिए, 3/4 × x − 7/12 × x = 13, ठीक है। तो यहाँ पर से कैलकुलेट करिए आप, तो यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आएगा 9x − 7x/12, यानी एलसीएम ले लेंगे 30, फाइनली आंसर आएगा 2x = 360, यानी 100x = कितना आ गया, 180 लीटर, है ना। हमसे तो यही ना पूछ रहा था, 180 लीटर तो निकालना था सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का मैच कर गया 180, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 123 आप लोग ट्राई करेंगे। कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है ना, 5 आदमी या 7 औरत, देखिए हमने टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया था कि अगर या रहे तो क्या होता है दोस्तों, उसका सिंबल इक्वल होता है, अगर और रहे, और रहे का मतलब होता है प्लस, है ना, ये दो गो सिंबल है जिसको ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे या 7 औरत प्रतिदिन कितना कमाता है, 5250 रुपया कमा लेती है, 5 गो आदमी 5250 रुपया कमा लेता है एक दिन में, 7 गो औरत 5250 रुपया कमा लेती है। तो क्वेश्चन कहता है कि 7 गो आदमी और 13 गो औरत मिल करके अगर काम करे तो एक दिन में कितना पैसा कमा सकती है, ऑप्शन आप सभी के बीच में है। तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व किया जाए, ज़रा इसको सॉल्व किया, बहुत आसान है सर, आप लोग को देखने में लग रहा होगा टफ, लेकिन है आसान। कैसे, देखिए हम देखिए लिखना चाह रहे हैं, 5 गो आदमी एक दिन में कितना कमाता है, एक दिन में कितना कमाता है, 5250 रुपया कमाता है ना। अगर हम कहें कि एक आदमी कितना कमाएगा, एक आदमी एक दिन में, तो यहाँ से 5 है गुना में, इपटी आएगा भागा में, एक आदमी एक दिन में, ये 5 इधर आएगा भागा में चल जाएगा, डिवाइड में आ गया 5, अब इसका फाइनली कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करिए 1 है ना, 050, इतना रुपया एक आदमी कमाता है, आदमी यानी कि जो पुरुष है वो, अगर सो है ना, अगर चूंकि के गो आदमी, अब 7 गो औरत है ना, ओमेन कर देते हैं, गुने एक दिन में कितना रुपया कमा लेती है, उतना ही रुपया वो कमाती है, 5250 रुपया। तो एक औरत कितना दे, एक दिन में कितना कमाएगी, एक औरत एक के दिन में कितना कमाएगी, तो 5250 / 7 तो कितना हो जाएगा, 750 रुपया, कितना कमाएगी सर, 750 रुपया वो कमाएगी, कमाएगी कि नहीं कमाएगी, एक औरत एक दिन में 750 रुपया कमाएगी। अब देखिए एक औरत के रेट पता हो गया कि एक औरत एक दिन में 750 रुपया कमाती है, और एक आदमी एक दिन में 1050 रुपया कमाता है। तो क्वेश्चन है, 7 गो आदमी है ना, यानी कि 7 गो मैन प्लस और का मतलब होता है प्लस, 13 गो औरत, औरत का मतलब वूमेन, कितना कमाएगा, तो 7 × 1 आदमी कितना, 1050 प्लस करिए 13 गो औरत, यानी कि एक औरत कितना, 750। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही डायरेक्टली हम कर देते हैं, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 7350 हो जाएगा यहाँ पर से, है ना, 7350, और इधर जो होगा 97.50। फाइनली टोटल अगर आप करते हैं
तो 17,100 रुपया हुआ, सब कोई मिल करके कमाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए तो अगला सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, कहता है किसी संख्या में, कोई एक संख्या है दोस्तों, देखिए सवाल आपको बहुत बेजान तरीके से बनाना पड़ता है ना, उतना भी जान मत डाल दीजिए प्रश्न में। देखिए यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं, जो संख्या निकालना है उस संख्या को मान लेते हैं क्या x, उस संख्या को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया x। अब देखिए क्वेश्चन कहता है उस संख्या में दोस्तों कितना जोड़ा जाए, 1/2 - 1/3 को, इतना को जोड़ दिया जाए। और जब जोड़ने के बाद इतना को हम लोग को क्या करना है दोस्तों, घटाना भी है, यानी कि माइनस करना है कितना को, 1/2 का मतलब गुना होता है 1/3, और फाइनली जो बचता है हमारे पास कितना बचता है, 1/2 + 1/3, इतना हमारे पास बच जाता है। तो फाइनली अगर हम करना चाहें एक्स प्लस, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 आएगा। फाइनली इसको भी करिएगा तो 1/6 और इक्वल्स टू इसको करिएगा तो 5/6, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 5/6, यानी वह संख्या कितनी थी, 5/6। ऑप्शन नंबर डी देखिए 5/6 थी, ठीक है बन गया ना। अगला सवाल देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125, देखिए जो एज प्रॉब्लम होता है ना, इसको आप कभी भी नहीं छोड़ पाइएगा सर, इतना बार इस सवाल को करवाया है ना कि आप एक को गो नहीं, इस चैप्टर से प्रश्न आएगा ना एकदम छोड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से वो प्रश्न आ रहा है। तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप पढ़ेंगे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, इससे आपको कोई हिंट्स मिला नहीं मिला। आगे पढ़ेंगे तो कहता है दोस्तों यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए एक लाइन हमारे पास दिख रहा है अभी कि 6 वर्ष पूर्व हम क्या कर रहे हैं, अभी 6 वर्ष पूर्व अगर बात करें किसका, पुत्र की आयु को अगर मानते हैं दोस्तों, पुत्र की आयु को अगर क्या मानते हैं, 1 वर्ष मानते हैं, ठीक है 1 वर्ष मानते हैं, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता का आयु, पिताजी बड़ा होंगे ना, तो इसका कितना गुना हो जाएंगे, 5 गुना यानी 5x हो जाएंगे, 5x वर्ष हो गए कब, 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान में, वर्तमान कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, 6 वर्ष पहले, या वर्तमान में करने के लिए हमको क्या करना होगा, कितना एज होगा, तो x+6 करेंगे तब ये वर्तमान में आ गए सर, पुत्र अब वर्तमान में आ गए, पिता को भी वर्तमान में ला दीजिए है ना, 6 वर्ष पहले था तो 6 वर्ष पहले कितना था, 5x, अब 6 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में प्लस कर दीजिए, ये हमारा वर्तमान का आ गया। अब पहल का लाइन पढ़िए, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो ये तो वर्तमान आयु है, दोनों का योग करिए, 5x+6 + 5x+6 इक्वल्स टू कितना है, 60 है ना, तो यानी कि 6x बराबर है ना 60 - 12, देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर से तो क्या हो जाएगा, पाँच एक छः 4 हो जाएगा, 4 है ना, 10 में से 2 हो गया 8 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 4 48 और ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, यानी सो एक्स का वैल्यू आपका कितना गया, 6 वर्ष है ना। तो यहाँ पे वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 12 वर्ष और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 + 35 = 36 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद के पूछ रहा है, यानी 6 वर्ष बाद यानी कि 6 वर्ष और जोड़िए तो कितना हो गया, 18 वर्ष। किसका उम्र पूछ रहा था, तो पुत्र की आयु पूछ रही थी, और पुत्र का हमने कितना निकाल दिया, 6 वर्ष बाद, वर्तमान में 12 वर्ष था, अब वर्तमान का 6 वर्ष के बाद यानी 6 बार जोड़ देंगे तो यानी फाइनली आपका 18 वर्ष हो जाएगा। कितना देर लगा इतना सॉल्व करने में है ना, कितना देर लगा, आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन में 1 मिनट लेंगे, 15 मिनट में सॉल्व होगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि एक वस्तु 29% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है 29% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि L% क्या है दोस्तों,
29 है, ठीक है। और जब उसको 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता है, 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता है ना, सीपी है, सीपी से 84 रुपया अधिक पर बेचेंगे तब दोस्तों क्या होगा, 11% का प्रॉफिट होता है। तब पी प्रतिशत कितना हो जाता है, 11। तब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि सीपी का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, डायरेक्टली आप लोग एक ध्यान रखना, डायरेक्टली हम बता देते हैं, जो दिया हुआ ना जितना अधिक है उतना में 100 से गुना करिए, और डिवाइड करना है कितना से सर मालूम है, डिवाइड कितना से करना है, बस 11 प्लस कर दीजिए 29, क्योंकि 29 हमारा माइनस है और 11% हमारा लाभ हो रहा है, ठीक है। फाइनली जो काट कूट के आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 8400 बटा में कितना हो जाएगा, 40 है ना, 10 से 10 है ना, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 210 बार में। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 210 रुपया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डायरेक्टली याद रखेंगे ये सब चीज़ें, जब ऐसा सवाल आए तो इस तरीके से करिएगा, जितना अधिक है ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आपका प्रॉफिट है उसमें जोड़ देंगे किसको, लॉस को, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है और ये ऑटोमेटिक माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो इससे बढ़िया है कि इसको डायरेक्टली हम लोग प्लस ही जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों ये थोड़ा सा सरलीकरण वाला है, थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो लाइन आपके सामने आ गया ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं अपने से, देखिए हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 2/3 प्लस है ना 4/9 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, 15/2 प्लस, इसको जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4899 बटा में 245 गुने है ना, ये क्या हो गया सर, फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 49 है क्वेश्चन में आपका 49 होगा, बच्चा मॉडल पेपर में देख लेना 49 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग 49 कर लेते हैं है ना, तो यहाँ पे भी 49 हो जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों ये कटेगा कितना बार में, एक बार में ये काट देगा दोस्तों 5 times, ठीक है, तब जा कर के आपका ये सब ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। 2/3 देखिए इधर से काटेंगे कितना बार में, 2 times और ये 3 और ये 5 times प्लस 10/3 प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनली जो आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 73,450 इतना आएगा, ठीक है। जब एलसीएम लीजिएगा 3 तो यहाँ 12 हो जाएगा प्लस, हाँ ये हमारा गलत हो गया है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए तो जल्दी से फटाफट। देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4899 इंटू 5 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24,495 ये आ जाएगा, इसमें अब हम गुना करेंगे ना तब इतना फाइनल आंसर आएगा 73,485, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा है ना, तो 73,497 बट्टा में 3 है ना, फिर उसके बाद दोस्तों आ जाएगा अपना 24,499 यानी कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और इसमें आप लोग केवल सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 49 होगा, ठीक है, यहाँ पे 49 कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128 का था, सिंपल है, इसका 13 आंसर होगा, 13 + 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर से 13 + 169 कितना जाएगा, 169 आ जाएगा, और देन 182 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 129 का आता है दोस्तों, कि 10 वर्ष पे 2 गुना हो जाता है, 10 वर्ष पे 2 गुना हो जाता है, तो 1940 में स्टार्ट हुआ है और ले के जाना है दोस्तों 2000 तक, तो कितना साल तक काम हुआ,
1940 में स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन का दिया 1900, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल का बैरल की कुल संख्या की दुगना हो जाती है। यदि सन 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ तो सन 2000 में 20 बैरल के कितने, है ना, बी के कितने बैरल तेल खर्च होंगे। यानी देखिए दोस्तों 2000 में कितना साल पहले काम हुआ, काम पहले कितना साल हुआ, तो यहाँ करिएगा तो 60 साल काम हुआ। कितना साल काम हुआ, 60 साल, और हर एक 10 साल के बाद दो गुना हो जाता है बैरल, है ना, दो गुना खर्चा हो जाता है बैरल का। तो बताइए 60 साल है, 10 साल का दो गुना बैरल है ना, तो सर एगो का कितना हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 10 साल पे, यानी कि 6 ईयर पे कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसी ना, है ना, हर 10 साल पे दोगुना होगा, यानी ये इतना दोगुना हो गया, ये एक, ये 10 साल पे इतना हो गया, फिर अगला 10 साल पे ये हो जाएगा, फिर अगला 10 साल पे ये हो जाएगा, इसी तरीके से 6 साल तक चलेगा। तो यानी डायरेक्टली हम कहें सिमिलर डायरेक्टली कह दें कि 2 के पावर डायरेक्टली 6 कर दीजिए, है ना, क्योंकि 2 को 6 मरते गुना करना, दुगना हो रहा है ना, तो इसीलिए 2 को कर रहे हैं, 3 गुना आता था 3 गुना करते हैं, 2 को 6 बार गुना करना है या 2 के पावर 6, बात बराबर है, है ना, 2 को 6 बार गुना करना या 2 के पावर 6, बात बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा का फाइनल आंसर, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 64 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा, 2000 में, सन 2000 में बैरल कितना खर्चा होगा, 64 गुना खर्चा होगा बैरल भी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 कहता है, देखिए क्वेश्चन कह दिया है 3.47 × 3.47 माइनस 2.53 × है ना 2.53, ठीक है, बटा में 0.94। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको पेंडिंग में रखा जाए, अभी इसको सॉल्व किया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं ऐसे 4.7 का होल स्क्वायर माइनस 2 − 5.3 का होल स्क्वायर बट्टा में 0.94, है ना, इसको भी लिख दिया जाए 1250 बट्टा में 625, क्योंकि ये देखिए ये दो पॉइंट है और यहाँ भी दो पॉइंट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है, दो पॉइंट था यहाँ से, ये भी उड़ा दिए, और यहाँ पे दो अंकों के बाद पॉइंट था तो ख़त्म कर दिए, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब देखिए, अब इसको काट सकते हैं आप, इसको आप कर सकते हैं 1050 में डिवाइड करिए 625 से, तो ये दो टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, आप नहीं तो 625 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, देखिए यहाँ पे 4.7 प्लस 2.53 इंटू 3.47 माइनस 2.53 और बटे में क्या है दोस्तों 9.4 माइनस 2, यही है ना, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.94 आएगा। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये से ये ख़त्म, और माइनस 2 था, 6 में से 2 गया 4, फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, देख सकते हैं। उम्मीद है आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर आप लोग भी क्लास करना चाहते हैं हमारे साथ लाइव, है ना, तो अभी आप लोग दोस्तों टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, टोटल लर्निंग का आप लोग जाकर के ऐप को डाउनलोड करिए, और वहाँ पे दोस्तों उम्मीद बैच का आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो कि बहुत ही सस्ता में, ठीक है, उम्मीद बैच का सब्सक्रिप्शन दोस्तों मात्र और मात्र 99 रुपया में आपको हो जाएगा, जिसमें आपको दोस्तों हर एक चीज़ पढ़ाया गया है, मैथ, हिंदी, है ना, हिंदी, इंग्लिश, जीके का तो अभी लाइव क्लास मिलेगा, इसका तो आपको लाइव क्लास मिलेगा संडे सैटरडे को, ठीक है, ये जो लाइव क्लास चलता है संडे और सैटरडे को चलता है, ठीक है, है ना, सुबह के आठ से नौ और देन शाम को 4 से 5, ये इसका टाइमिंग है ना, ये शाम में चलता है और सुबह में भी चलता है, ठीक है, और बाकी जितने भी क्लासेज है, साइंस की हो गई, है ना, और क्या बचा दोस्तों, और तो कुछ नहीं बचा,
है ना, ये आपका सिलेबस है और ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गया है, वहाँ पे ऑलरेडी है पूरा अच्छे तरीके से बना हुआ। जीके का भी बना हुआ है, लेकिन इसका कुछ लाइव क्लास भी मिलेगा आपको, तो लाइव क्लास इसमें है तो आप लोग ज़रूर 99 रुपया में जुड़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही प्राइस आपको फिर 499 हो जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है। तो जितना जल्दी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।